मेरा न्यू हेयर स्टाइल देखिए, कुछ चेंज दिख रहा है आपको? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और मैं आई हूँ विद माय न्यू हेयर और विद माय न्यू कैमरा। और कैमरा आ गया है, अभी टेस्ट करना है इसे। कैमरा ये फाइनली, इससे मैं व्लॉगिंग किया करूंगा और जिस कैमरे में अभी वीडियो दिख रही है उसमें ये किया करेंगे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ये भी ब्लॉगिंग करेंगे, बट कोई न्यू चैनल नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है इनके पास कि ये ब्लॉग करे, सेपरेट चैनल खोले। साथ में क्या करेंगे? तो ये जैसे कभी कुछ क्लिप्स इनने बना ली जो मैं ऐड कर दूँ, वैसी क्लिप्स ये करेंगे काम। तो ये है मेरे नए बाल जो कि काफ़ी लंबे भी हो गए हैं कर्ल होने के बाद। और ये देखिए कलर, ये देखिए, और वीडियो की, हाँ तो वीडियो की एंडिंग में आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मैंने क्या करा है, क्या मैं कोई क्लिप डालने वाली हूँ या क्या है। तो ये मेरे नए वालों के लिए, ये वीडियो मेरे नए वालों के लिए है। हाँ, तो एंडिंग तक आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है मैं कोई हेयर कलरिंग की क्लिप डाल दूँ या किस तरह से हुआ है ये सब, ये बताने के लिए आप लोगों को एंड का इंतजार करना पड़ेगा। कोई चीटिंग नहीं करेगा कि एंडिंग में चला जाए और देख ले ये चीटिंग होगी, तो चीटिंग नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। जो गंदा बच्चा होगा वो चीटिंग करेगा एंडिंग में जाके, तो अभी कोई चीटिंग नहीं करेगा। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं टी डेट पे और आज हम लोगों को लगा कि टी डेट पे जाना चाहिए बहुत टाइम बाद, तो चलिए चलते। देखिए मैं कितना शो ऑफ कर रही हूँ अपने वालों को कि मुझे थोड़ा सा ही मौका मिल रहा था, अपने वालों को मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो चलिए चलते। हाँ, बस ये बचा था। गाइस, टी डेट। चीयर्स नहीं करोगे आप? चीयर्स। चाय 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 वाला, ये सुड़की लेके चाय पी थी। सुड़की लेके चाय पीने का अलग ही मजा है। फिर से पिया सर, देखो ऐसे तो ज्यादा तेज हो गए। चाय लवर समझ सकते हैं सुड़की का मतलब क्या होता है। शक्का शक्का सुड़की मारने में क्या मजा आता है, सुड़की मारने का मजा ही कुछ और होता है। एक्चुअली मैं ब्लॉग पब्लिश कर रही हूँ तो ये मेरा डेली का काम है यहाँ आके, तो चाय वाला सोचता होगा कि ये कितना काम करती है, जब भी आता हूँ तो ये लैपटॉप में कुछ ना कुछ करती रहती है ना। सो गाइस, चलिए अब हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ब्लॉग पब्लिश कर रही हूँ, ब्लॉग लेट हो जाएगा। तो ये हमारी टी डेट रहती है जिसमें हम लोग बात पहले करते थे, आजकल बात करने का टाइम नहीं मिलता है, ये काम ही करती रहती है। हाँ, तो इसलिए, और उसके बाद हमें जाके एक वीडियो भी शूट करनी है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ खाना है, बाहर ही का खाना है, सैटरडे भी है और कल हमें संडे को दिन ही में निकलना है शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो कल का जो दिन है पूरा पैक है। ठंड हो रही है बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं इन दोनों को घुमाने, इन लोगों की एक वॉक रहती है जो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बोजो वेट पुट ऑन कर रहा है और ये चीज़ें सीख रहा है, तो बोजो का वेट के लिए और इसकी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर और घूम के आते हैं। चले हाँ, सीखो कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। कहाँ? अरे यार मुझे भगा फिर है। गूगल भैया क्या कर रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? क्या हो गया सी? हाय गाइस, सो गाइस अभी है संडे और मम्मा गूगल डरा दिया मुझे और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था बहुत सारी शॉपिंग जो है, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ और शादी में भी जा रही हूँ, तो बहुत सारी शॉपिंग है जो पेंडिंग है, उस शॉपिंग में मेनली अभी राजा की शॉपिंग बची हुई है। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ हाई नेक्स वगैरह लूँ क्योंकि वहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है और मेरे को लग रहा है कि कुछ ले लिया जाए एक्स्ट्रा, तो वो सब देख के आते हैं। पर सबसे पहले जो राजा हैं उनकी शॉपिंग कम्प्लीट की जाए क्योंकि अभी वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले चल रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो ले लूँगी क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अभी राजा जो हैं वो चेंजिंग पर्पज़ से निकले हैं, मतलब जीन्स वगैरह जब ट्राई करनी होती है तो राजा थोड़ा माइंड बना के निकलते हैं, उन्हें बहुत 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 बोरिंग काम लगता है ये, तो वो जो हैं अपना अभी माइंड सेटअप करके निकले हैं। तो मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले उनका सामान ले लिया जाए क्योंकि उसके बाद फिर
यू नो क्या होता है, मुझे जीन्स नहीं लेनी है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्वेटर्स वगैरह, हाँ हाँ कुछ कार्डिगन्स या कुछ ठंड का ही सामान मैं ले लूँ अभी, क्योंकि ठंड है वहाँ पे उस हिसाब से। तो अभी देखते हैं, मैं जो अपनी शॉपिंग है वो पता नहीं कहाँ से करूँगी। मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी वेलोसिटी, V2 वहाँ से मैं देखूँगी स्वेटर वगैरह कुछ आए होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि हाईनेक्स ले लूँ। तो मैंने क्या कहा था कि मेरे को पैकिंग करनी है, तो इन्होंने बोला तुमने तो पैकिंग करनी थी, तुमने पैकिंग नहीं करी। मैंने इनसे बोला भाई मेरे को पहले कपड़े तो पता चल जाएंगे कौन से लेके जाने कौन से नहीं लेके जाने, मेरे को सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद फिर मुझे पार्लर भी जाना है वैक्सिंग कराने। वैक्सिंग मैं घर में कर रही थी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम जो है उसे मेंटेन कर लिया जाए, पार्लर जाऊँगी वहाँ पर थोड़ा बहुत काम और रहेगा वो भी करा लूँ। वेडनेसडे मैं सोच रही हूँ जाके वैक्सिंग करा लूँ, क्योंकि अभी घर में क्योंकि थोड़ा बहुत काम और भी लगेगा मुझे, अगर इनकेस फेशियल वगैरह क्लीन अप या कुछ भी तो वो भी करा लूँगी मैं, क्योंकि घर में अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है इतना कुछ काम। तो मैं सोच रही हूँ वेडनेसडे चली जाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग को जाना है, तो थर्सडे जो है वो पैकिंग में ही थोड़ा और काम जो भी रहेगा उसमें बिजी रहेगा, तो उसमें मैं पार्लर नहीं जाना चाह रही हूँ। और ये है शॉपिंग, पता है आपको आज प्रॉपर कितने घंटे लग गए, हम लोग गए थे 5:30 और आए हैं कितने 10:30 या 10:30 बजे, तो 5 घंटे लग गए शॉपिंग में। तो जो शॉपिंग है ये प्रॉपर शादी की नहीं है, मतलब ऐसी है कि हम लोग इसे वेकेशन पे भी जाना है तो उस टाइम पे भी यूज जाएंगे और हमेशा यूज होने वाले कपड़े, ऐसे कोई ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है कि जैसे शादी के लिए रहते, बट ये जो कपड़े हैं ठंड के हिसाब के भी हैं, कुछ राजा के भी हैं, कुछ मेरे भी हैं,
तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो कुछ मैंने शूट भी किया है, तो वो शॉपिंग का टाइम था, उस बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ और शूट कर पाती। तो सबसे पहले ये है शूज, और ये राजा ने लिए हैं अपने लिए, अपने जो उन्हें सूट बनवाना है बनवाया है, जो फिलहाल अभी नहीं आया है। मुझे अपना उठाना था लहंगा आज, टाइम हो गया थोड़ा। तो ये है राजा जी के शूज, शाइनिंग में है, इन्हें पॉइंटर वाले ही चाहिए थे, तो ये इन्हें लिए हैं अपना वन पेयर। मैं वहां पे ट्राई कर रही थी पर मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया, मतलब फुटवेयर में, तो मैंने अपने लिए फुटवेयर वगैरह में कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, और अगर आप लड़की तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा में बहुत सारे रहते, तो मैंने बोला कि अगर मुझे लगेगा तो मैं ले लूंगी, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है ऐसे। उसके बाद नॉस्ट्रम गए थे हम इनकी जींस लेने, तो वहां से मुझे तीन लेनी थी बट फिटिंग ही नहीं आ रही थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद ये दो जीन्सें मिली हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें इतनी डिटेल में कुछ दे नहीं सकती हूँ, तो ये दो जीन्सें राजा थी। गला बहुत अच्छा, मेरे गले में बहुत खराश रहती है आजकल, मुझे नींद आ रही है इसकी शॉपिंग करने के बाद। पता है एक टाइम पे तो मेरा पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, मेरे को लगा बस ना हो पाएगा अब ना हो पाएगा। उसके बाद फिर ये फिर से राजा जी की ही शॉपिंग है, ये कुछ फॉर्मल शर्ट्स हैं, लाइक शर्ट्स लिए हैं इनने, तो मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि मेहनत नहीं कर सकती मैं थैर करने की, और मेरे से होती नहीं है शर्ट की तरह होता है। तो एक इनने वाइट और ब्लू प्रिंट है इसमें, तो बेस्ट ये है कि इनने आई थिंक कलर चेंज किया बट फिर से ब्लू आ गई है ये, तो ये ब्लू वाइट एंड देन एक और ब्लू है राजा, कहाँ एक और ब्लू, ब्लैक है, अच्छा ब्लैक है सॉरी ब्लू नहीं, देन ये है ब्लैक और ग्रे में, और फिर एक ये है पता नहीं ग्रे और ब्लैक चेक के, चेक भी नहीं है डिजाइन है उसमें, ऊपर कुछ अलग है तो बीच में कुछ अलग है, तो ये जब ये पहनेंगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ और मिला है यहाँ पे, मुझे क्योंकि इनने अपनी शॉपिंग करी है तो इनने प्रॉपर अगर साढ़े पांच अगर मैं 5 घंटे लगे ना तो उसमें 4.5 घंटे इन्हें शॉपिंग करी है। जी हाँ मैंने देखा मेरी शॉप बंद हो गई थी आपको पता है, मैं इतनी जल्दी जल्दी लेके आई हूँ सामान, मैं जानती हूँ जो मैंने शॉपिंग करी, मैंने बस ऐसे ऐसे करके उठाया है सामान, मेरे पास टाइम नहीं था, वो बंद हो रही थी और मैं बार बार ऐसे शॉपिंग के लिए जाना नहीं चाह रही थी, तो मैं जानती हूँ मैंने आधे घंटे में शॉपिंग करी है, पूरे 4.5 घंटे में इन्हें वो किया, तो इनको ये लगा कि मैंने इन्हें 4.5 घंटे तक शॉपिंग करने दी तो मुझे ये मिला है उसके बदले, ये डेरी मिल्क चॉकलेट, तो इन्हें थोड़ा सा लगा, इन्हें बोला कि चलो मैंने इतना कर मतलब मैंने इतना पेशेंस रखा। आपको पता है मेरे अंदर बिल्कुल भी शॉपिंग के लिए पेशेंस अपने लिए हो जाता है फिर भी, पर अपने लिए भी इतना नहीं है कि मैं बहुत सारे घंटे लगा दूँ उसमें, पर इनकी जब शॉपिंग होती है तो इनकी शॉपिंग के लिए 3-4-5 घंटे आराम से जाते हैं, तो मैं बीच पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ देखती हूँ चीजें, उसके बाद मेरी एनर्जी ऐसे बैटरी डाउन होती है फोन की, उस तरह से मेरी भी एनर्जी डाउन होने लगती है। अब हम लोग आते हैं मेरी शॉपिंग पे, तो 2 बैग्स मेरे हैं, तो मेरी जो शॉपिंग है वो फुल विंटर शॉपिंग ही करी है मैंने क्योंकि वहाँ पे ठंड रहेगी उसके हिसाब से। इसमें सबसे पहले राजा जी का लोअर ही आया है, हमें क्या हुआ क्योंकि शॉप बंद हो रही थी, मैंने बोला आधा घंटा था, तो ये फटाफट एक पीस मेरे को एक्सल में मिला, दूसरा मेरे को मिला नहीं ब्लू कलर में, तो फिर एक बार जाना पड़ेगा फिर ब्लू। तो ये लिया इनने एक लोअर, उसके बाद फिर मैंने ये बहुत ही प्यारी लगी थी, ये 400 की है, ये गाउन है नाइट गाउन, तो ये वेलवेट में था 400 रुपीज का, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था ये, हम देख सकते हैं काफी वाइब्रेंट कलर है, तो मुझे लग रहा है ऐसे लेना चाहिए, ऊपर फ्लावर भी बने हुए हैं, तो ये लिया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने कुछ ये एक फिर मैंने 3 पोचू लिए हैं, और ये है ब्लैक में एक, तो इसमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डिजाइन है, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगी मैं आपको पहन के दिखा दूंगी इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहन के दिखा दूंगी मैं आपको अभी अभी की अभी, बट मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लैक में लिया है मैंने, फिर मुझे लगा कि अब एक मफलर भी ले लेना चाहिए उसके हिसाब से कि अपने आप को थोड़ा सा ढकना दबना है उस टाइम पे,
तो उसके लिए सही रहेगा। मेरा गला अभी खराब हुआ है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चीजें होती हैं पता नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये एक रेड में लिया है, रेड बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और रेड मुझे बहुत, मेरा ब्लैक और रेड फेवरेट कलर है, तो ब्लैक और रेड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ ला रही हूँ तो ब्लैक और रेड आ जाए। देखिए मैंने अभी भी ब्लैक पहना और मरून पहना हुआ है, तो ये है सेकेंड, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था तो ये ले लिया। उसके बाद हाँ ये वाला बैग है। इस बैग में सबसे पहले मेरी मैगी रखी, मुझे मैगी खानी थी और ये मैगी के साथ। फिर एक और है ये थोड़ा सा हाई नेक पैटर्न में, मतलब इसमें थोड़ा सा नेक आ जाएगा, और ये थोड़ा सा अलग कलर था तो मेरे को लगा ये वाला भी ले लेते हैं, तो ये लिया। इन सब का प्राइस आई थिंक 700-800 के अराउंड है, इन तीनों का मिला के नहीं ईच। और उसके बाद फिर मैंने ये लिया एक, ये कुर्ता पैटर्न में है, गरम है ये, तो ये थोड़ा सा लिया, ऐसे जीन्स के नीचे आप पहन सकते हो और थोड़ा सा अच्छा डिसेंट भी लगेगा, तो ये लिया है। एक और फिर मैंने लिया है ये लॉन्ग में है, ये भी ब्लैक में है, तो इसकी जो ऐसे पॉकेट पैटर्न है यहाँ पे, तो ये मैं बता रही हूँ, मैंने जो मेरे को दिखा मैंने ऐसे ऐसे उठा लिया, तो मुझे पता नहीं, मैंने पता को ट्राई तक नहीं किया है, पोचो के अलावा मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, उसमें से भी ये वाला ट्राई नहीं किया है। और उसके बाद फिर मैंने एक ही वाइट में लिया है ये, तो अब मैं आपको ये सब पहन के दिखा देती हूँ, जो भी है तो एक बार पहन के पता चलेगा ये कैसा है, क्योंकि मैंने खुद भी पहना है, इनने सब कुछ पहन के देखा 10 बार, एक एक चीज देखी इनने परफेक्टली। मैं नॉट सो परफेक्ट इंसान हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो इतनी परफेक्ट हो नहीं सकती, तो मैं इतनी परफेक्ट, हाँ तो मैं इतनी परफेक्ट हो नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं सब कुछ तो ट्राई कर नहीं पाई हूँ, बट अब मैं क्योंकि ट्राई कर सकती हूँ घर आ गई हूँ, तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ करके पूरा माल मसाला। तो मैं आ गई अपने सबसे फेवरेट सेक्शन में, और अब हम लोग ट्राई करते हैं एक के बाद एक चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पोचो ट्राई करेंगे। पोचा लगा लो। मैं पोचा लगा लूं इससे? देखिए डॉगीज भौंकने लगे, मैंने पहना था। तो पहला है ये रेड, और इसका फैब्रिक दिखा देती हूँ आपके सामने से क्लोजअप। तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न है यहाँ पे, और ये है, तो ये रेड तो मैं लेती किसी भी कंडीशन में, मैं रेड लेती, तो ये है पहला। और ये एक और रेड क्यों नहीं लिया? और ये देखिए मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ तो ये है सेकंड, और ये मैं बोल रही थी, मैंने मेरे को रेड भी लाना है, मेरे को रेड बुलन मिला नहीं सकता। लेकिन सुनो, वो रेड का ब्लैक अच्छा लगेगा ऐसे पहनोगी तो मैं मैचिंग कर रही थी, तो मैं एक ये ले आई हूँ, तो बहुत ठंड लग रही है। ये मात्र 100 रुपीज का ये जो मफलर है, और मैच भी हो रहा है। ये है सेकंड, इसका पैटर्न दिखा देती हूँ आगे से। तो ये देखिए ये है इसका पैटर्न, इसमें ये लगे हुए हैं फूल वाले, बहुत ही क्यूट है। देखिए लेके आए हैं, तो ये दोनों चीजें राजा की पसंद की थी। उसके बाद जो भी है ना वो सब मैंने ऐसे उठाया बस जल्दी जल्दी, वो वहां पे ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि काउंटर, कैश काउंटर बंद होने वाले, कैश काउंटर बंद होने वाले, तो मैंने बोला यार उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ, क्योंकि मुझको थोड़ा सामान चाहिए था। और ये सेकंड थोड़ा डिफरेंट ही लेके आई हूँ मैं, एक सेकंड कुछ पीछे। तो ये है अपना सेकंड माल, नहीं थर्ड माल, ये है थर्ड माल जो लिया गया है, बहुत ठंड है तो उसके लिए सही एकदम, अंदर घुस जाओ इसके। और ये देखिए अब मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा देती हूँ, फैब्रिक बहुत अच्छे थे वहाँ पे, सॉफ्ट है साथ में गर्म भी है, तो ये है थर्ड। उसके बाद एक ये स्वेटर पैटर्न में टॉप है, जो कि काफी अलग और काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मस्त अच्छा। ये आपको पता ट्राई नहीं किया था, ये सब पीसेस ऐसे उठाए थे, आपको जैसे बताया मैंने। तो ये देखिए ये है इसका कपड़ा, और बहुत ही सॉफ्ट है ना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैं वाइट पहनती नहीं इतना, पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद ये है नेक्स्ट पीस, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये सीरियसली पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए जल्दी जल्दी की शॉपिंग, मेरे को लग रहा है ज्यादा अच्छी होती है। हाँ देखिए नीचे जीन्स आ गई है, काफी अच्छा लग रहा है ये, और ये इसमें बॉल्स बनी हुई है। अच्छा ये फुल का हाथ
अच्छा हाँ, और ये पॉकेट है इसमें, हाथ आपका इसमें पॉकेट में अंदर ही जाएगा हाथ उस पॉकेट वो डिजाइनिंग के लिए, नॉट हाथ वाली नहीं है। उसके बाद हाँ यहाँ पे ये बटन पैटर्न है, यहाँ से थोड़ा सा ओपनिंग और यहाँ से भी एक कट है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो ये है, ये प्रॉपर ब्लैक है और ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से चेंज है। तो ये है हमारा सेकेंड लास्ट पीस। उसके बाद ये है लास्ट पीस जो कि नाइटी है, और ये गर्म नाइटी है, वेलवेट की नाइटी है कि ठंड में गर्म चीज़ें सही रहती है। वेलवेट ये तो गर्म होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी बट गर्म होगी। सो ये है, आप देख सकते कितनी वाइब्रेंट लग रही है ना, काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है और काफ़ी अच्छा कपड़ा भी लग रहा है। कैसी लगी अभी फिलहाल मुझे? तो ये हो गई है हमारी शॉपिंग। अब मैं इन सब कुछ दिखा दिया आपने, दे दी अपने शॉपिंग रिव्यू। हाँ देखो कौन बुला रहा आपको। ये हो गए कपड़े छो, आप नहीं पहनोगे, आप नहीं पहन के दिखाओगे? नहीं मैं क्या पहन के दिखाऊं, नहीं कि मैंने आपको पूरा ट्रायल दिया, मैं थक गई थी उसके बाद भी आगे मैंने दिया है। मेरे को कोई इनमें से पहनना है कुछ शर्ट वर्ट कोई? अब मैं थैक करती हूँ इन्हें। हाँ अब आते हैं हम लोग रास की बात पे, जो कल मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि क्या रास है ऐसा जो मेरे बाल इतने लंबे कर्ली हो गए थे। तो चलिए वो रास खोलते हैं, तो रास अभी आप लोगों के सामने खुलेगा, दो मिनट वेट करिए। मैं पहले एक जूड़ा बना लेती हूँ, जूड़ा बन चुका है, देखिए फिर से मेरे बाल वैसे हो गए हैं। तो एक्चुअली में हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ये बाल खुले हुए थे, पता नहीं ये क्लच में टाई आए हैं। तो ये हेयर मंगवाए हैं मैंने, और ये किसी पर्पस से नहीं मंगवाए थे, बट अब पर्पस ये रहेगा कि पोनी टेल में आप लगा सकते हो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी है। तो ये है वो बाल जो मेरे नहीं थे, पर वीडियो की एंडिंग में मुझे बताना था आपको। एक और मैंने सेट मंगवाया जो अदर कलर में है, मैं अभी थोड़ा कलर अवॉइड करी थी क्योंकि मेरे बाल थोड़े से झड़ रहे थे, पर अभी मैं देखती हूँ जाके उससे बात करती हूँ, क्योंकि वो पहले हेयर पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट कर दे और उसके बाद फिर मैं जो कलरिंग है वो करा लूँ, क्योंकि गलत लग रही है। कल होगी आपके? देखते हैं कल ही परसों, देखती हूँ परसों। हाँ राइट, हाँ तो ये सब चीजें मैं एज इट इज जैसे रखी हुई है वैसे रख देती हूँ तय करके। और अभी के लिए फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मुझे कुछ खाना पीना, चाय वाय पीने की मन हो रही है, तो मैं जा रही हूँ पीने चाय वाय, और उसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ। तो आज जो पूरा एनर्जी थी वो ड्रेन हो गई है मेरी, बोलने के लिए भी नहीं बच रही हूँ मैं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और शॉपिंग ब्लॉग था, और अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।